ना रिश्तेदारी ना दोस्ती यारी। टीम इंडिया में जगह के लिए करना होगा ये तीन काम, पर सारे खिलाड़ी बनाते रह जाते हैं सिर्फ रनों का पहाड़। सरफराज ही नहीं, उनके गुरु के साथ भी हुआ था धोखा। 10 सालों तक सूर्य को इसी वजह से करना पड़ा इंतजार। कई टैलेंट हो रहे हैं बेकार। 3 मिनट में समझिए हर रणजी का स्टार क्यों नहीं बन पाता देश का हीरो। पैसे और पैरवी की मोहमाया तो सिर्फ कहने की बात है। टीम इंडिया में सिलेक्शन पाना ऐसा लगता है कि यूपीएससी से भी कठिन है, क्योंकि उसमें कम से कम हर साल 800 से 900 वैकेंसी तो आती है, लेकिन यहाँ तो 11 खिलाड़ी ही पूरे देश से चुने जाते हैं और उसमें से भी कई सालों साल तक खेलते हैं। अगर आप फॉलोअर्स में से भी कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, देश के लिए खेलना चाहता है, तो इस रिपोर्ट को आखिरी तक देखिए और फिर उस तक पहुंचाइए, ताकि वो समझे कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। लेकिन इससे पहले ये किस्सा सुनिए कि कैसे टैलेंट खराब हो रहा है। सचिन के दौर में एक खिलाड़ी थे अमोल मजूमदार, जो बाद में सूर्य कुमार यादव के दोस्त सरफराज खान के गुरु बने। लेकिन किसको पता था जैसा धोखा गुरु के साथ हुआ वैसा ही शिष्य के साथ भी होगा। लेकिन सचिन और सहवाग जैसे टैलेंट टीम में होने की वजह से अमोल मजूमदार जैसे ओपनर कभी टीम इंडिया में आ ही नहीं सके, जबकि रणजी में उन्होंने सरफराज की तरह कई बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बनाए थे। इन्हें अगला सचिन भी कहा जाता था। मुंबई की ओर से खेलने वाले मजूमदार रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। 2013 में आखिरी मैच खेला और फिर कोच बन गए। दिल्ली के खिलाफ सरफराज ने जब शतक जड़ा तो कोच अमोल मजूमदार ने कैप उतार कर सम्मान दिया, लेकिन टीम में जगह नहीं मिली तो सरफराज फूट फूट कर रोए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब मुंबई के पूर्व सिलेक्टर मिलिंग वैगे ने दिया है। वो कहते हैं, आप रन बनाते रहिए, टीम में जगह होगी तो आपको कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन मीडिया में ऐसे आकर इंटरव्यू देना ठीक नहीं है। लेकिन टीम में जगह की बात करें तो फिलहाल टेस्ट टीम में सरफराज के लिए जगह बन सकती है। शुरू से लेकर 4th नंबर तक की जगह फिक्स है, लेकिन उसके बाद 5वें नंबर पर हनुमा बिहारी, 6ठे पर KS भरत और 7वें पर सूर्य कुमार यादव आते हैं। अगर खेल के हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट में सरफराज सूर्य कुमार यादव से ज्यादा बेस्ट साबित हो सकते हैं, क्योंकि T20 खिलाड़ी सूर्या का प्रदर्शन जैसा वनडे में रहा है उससे कई दिग्गजों को लग रहा है कि पता नहीं टेस्ट में वो कैसा खेल दिखाएंगे। अगर सूर्या टेस्ट में फेल रहे तो सरफराज की जगह बन सकती है, क्योंकि सरफराज आंकड़ों में सूर्या ही नहीं बल्कि डॉन ब्रैडमैन के बराबर पहुंचने वाले हैं। पर कहते हैं, कभी कभी किस्मत भी दगा दे जाती है, इसलिए रणजी खेलने वाले हर खिलाड़ी को ये 3 बातें समझनी होगी। पहला, आपकी पोजीशन पर टीम में जगह नहीं होगी तो आप कितना भी अच्छा खेलें कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, आपकी किस्मत सही होनी चाहिए, वरना अमोल और सरफराज की तरह कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका किस्मत ने साथ नहीं दिया। तीसरा, आपकी फिटनेस जरूरी है। सरफराज और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी के फिटनेस पर ही सिलेक्टर सवाल उठाते हैं, जिसके जवाब में कई लोग कहते हैं कि स्लिम ट्रिम क्रिकेटर चाहिए तो फिर फैशन शो में चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि खिलाड़ी का फिट होना जरूरी है, वरना वो कैच ड्रॉप कर देगा। ठीक से फील्डिंग नहीं करेगा, ठीक से बैटिंग नहीं करेगा तो टीवी पर उसे देखकर आपको गुस्सा आएगा, चाहे वो आपका फेवरेट ही क्यों ना हो। इसलिए हर खिलाड़ी को चाहिए कि वो जब खेलना शुरू करें तभी देखें कि उसका भविष्य क्या है। रनों का पहाड़ करने से जगह मिलेगी या फिर टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा।